गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन थी उसकी वर्क ड्रिल का फर्स्ट क्वेश्चन किया था. ठीक है, क्या था उसमें कि हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए थे जिनको हमें एज इन अ पॉजिटिव डिग्री दिए हुए थे वो. ठीक है, जिनको हमें क्या करना था, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना था. ओके तो वो हम लोगों ने किया. नेक्स्ट आज क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर बी मैंने आपको होमवर्क के लिए जो दिया था वो हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बी. टिक द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन ईच सेंटेंस. क्या करना है, एवरी जो सेंटेंस है इसमें आपको करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फिल करना है. कैसे फिल करेंगे, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हमें बताया हुआ है तो पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे. ठीक है, अगर किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है, दो नाउन्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे. और थ्री और मोर देन थ्री ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें कंपैरिजन करना है तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोग यूज करेंगे. ओके सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, मर्था इज अ नाइस या नाइसेस्ट गर्ल. जो मर्था है इज अ नाइस गर्ल. नाइस क्यों यूज करेंगे हम, क्योंकि एक ही नाउन है ना, ओनली जो गर्ल है उसी के बारे में कहा हुआ है, उसे किसी से कंपेयर नहीं किया हुआ ना, कि ये बताया हुआ है कि ये लड़की अच्छी है. ठीक है, सो अगर एक ही में कंपैरिजन किया हुआ है सेंटेंस में, मतलब क्या होगा, अगर एक में कंपैरिजन है मतलब पॉजिटिव. थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको, अगर एक ही ऑब्जेक्ट में, एक ही ऑब्जेक्ट में अगर हमें उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है, तो कौन सा डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करेंगे, पॉजिटिव. ओके सो मर्था इज अ नाइस गर्ल, क्योंकि यहाँ ओनली वन गर्ल की बात हो रही है, ना कि सबकी हो रही है. ओके देन रशिया इज द बिगर या बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. रशिया जो है वो पूरे होल कंट्री में, होल वर्ल्ड में जो है कि मतलब सबसे बड़ी कंट्री है. सबसे बड़ी है मतलब बहुत सारी कंट्रीज हैं. ठीक है, कंट्रीज तो बहुत सारी हैं, ऐसे तो है नहीं कि ओनली रशिया है या इंडिया है या दो ही कंट्री हैं, नहीं बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है. ठीक है, तो क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि रशिया जो है वो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंट्री है. ठीक है, मतलब सबसे बड़ी कंट्री है. सो सबसे बड़ी है मतलब सुपरलेटिव में आ गया ना, सबसे बड़ी है मतलब सुपरलेटिव. सो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. रशिया क्या है, बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में. दिस गर्ल इज प्रीटी, प्रीटियर देन हर सिस्टर. ये जो लड़की है, ये जो गर्ल है, ये अपनी सिस्टर से ज़्यादा प्रीटी है. ये जो गर्ल है ये क्या है, अपनी सिस्टर से ज़्यादा प्रीटी है या अच्छी है. ठीक है, सो अपनी सिस्टर से ज़्यादा अच्छी है कौन, लड़की, मतलब दो में कंपैरिजन कर दिया ना, दोनों सिस्टर्स में कंपैरिजन कर दिया. अगर दोनों सिस्टर्स में, दो में कंपैरिजन हुआ है, दो नाउंस या दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन हुआ है तो क्या होगा, अगर कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं, ईआर या ईएसटी, ईएसटी सुपरलेटिव में, सॉरी, कंपैरेटिव में क्या यूज करते हैं, ईआर यूज करते हैं. सो दिस गर्ल इज प्रीटियर, क्योंकि वाई का आई चेंज हो गया, वाई चेंज इंटू आई प्लस ईआर, सो प्रीटियर देन हर सिस्टर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, टेक द शॉर्ट एंड शॉर्टेस्ट ऑफ द टू रूट्स. क्या है कि इन दोनों में से जो छोटा है वो रूट लो आप. ठीक है, ये बताया कि जो दोनों रूट्स हैं उनमें से जो छोटा है ना वो लेना है. दोनों में से मतलब टू, टू मतलब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है मतलब कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, ईआर. सो टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स. नेक्स्ट, माया स्पीक इंग्लिश वेल. माया इंग्लिश कैसी बोलती है, अच्छी बोलती है,
सो माया स्पीक्स इंग्लिश वेल. नेक्स्ट, जिराफ इज द टॉल या टॉलेस्ट एनिमल. जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. टॉलेस्ट एनिमल कैसे है? क्योंकि सारे एनिमल्स की बात हुई है यहां पर, तो ठीक है. जिराफ क्या है? टॉलेस्ट एनिमल है. एनिमल्स मतलब फ्रॉम ऑल द एनिमल्स, मतलब सारे एनिमल्स में जो जिराफ है वो सबसे टॉलेस्ट है. ठीक है, सो जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल. नेक्स्ट, जापान इज डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड कंट्री देन इंडिया. जापान और इंडिया में कंपैरिजन हुआ है. ठीक है, जापान एंड इंडिया में कंपैरिजन हुआ है, मतलब दो के बीच में कंपैरिजन है. मोर या मोस्ट डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड, अगर दो में कंपैरिजन हुआ, कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री मतलब मोर. तो जापान इज मोर डेवलप्ड कंट्री देन इंडिया. नेक्स्ट, शौर्य इज द मोस्ट डिसिप्लिंड या मोर डिसिप्लिंड बॉय ऑफ द क्लास. शौर्य क्या है? क्लास का मोर डिसिप्लिंड बॉय है या मोस्ट? क्योंकि क्लास में ऐसा तो है नहीं कि दो ही बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता. क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं. सो बहुत सारे बच्चों में से अगर एक का एक को डिफ्रेंशिएट करें या फिर एक को अलग कर रहे हैं, मतलब मोर या मोस्ट? मोस्ट. क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं. ओके, सो शौर्य इज द मोस्ट डिसिप्लिन बॉय ऑफ द क्लास. क्या है शौर्य? क्लास का मोस्ट डिसिप्लिन बॉय है. ओके, नेक्स्ट फॉर होमवर्क क्वेश्चन नंबर सी एंड डी क्या करना है? अंडरलाइन द रॉन्ग डिग्री ऑफ कंपेरिजन इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट द करेक्ट वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपको इधर जो स्पेस प्रोवाइड हुआ है इसमें क्या करना है? आपको जो सेंटेंस में रॉन्ग डिग्री है उसे अंडरलाइन करना, एंड यहां पर जो स्पेस प्रोवाइड है इसमें क्या करना है? आपको करेक्ट डिग्री राइट डाउन करनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर डी में क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन फॉर एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट्स. आपको जो ब्रैकेट में एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं इनसे आपको क्या करना है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन राइट डाउन करनी है, बट करेक्ट डिग्री राइट डाउन करनी है, ना कि रॉन्ग. ओके, सो क्वेश्चन सी एंड डी इज फॉर योर होमवर्क. ओके, बाय.